नोट बैन पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा, राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्ष ने दोहराई संसद में पीएम के बयान की मांग, संसद के अंदर और बाहर टीएमसी का बहस के लिए तैयार नहीं है और सदन को डिसरप्ट करने के रोज नए नए तरह के तरीके। कानपुर रेल हादसे में अब तक 142 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। हादसे में मारे गए लोगों को संसद में दी गई श्रद्धांजलि, रेल मंत्री ने कहा रेल हादसा दुर्भाग्यपूर्ण। आज देर रात तक का एक अनुमान है कि हम ट्रैफिक को स्टॉप। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, राजौरी, मेंढर, बालाकोट और नौशहरा में सीमा पार से गोलीबारी, बीएसएफ के एक जवान के शहीद होने की खबर, 3 घायल, भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर अब से कुछ ही मिनट में उतरेंगे फाइटर प्लेन, उद्घाटन के मौके पर मुलायम ने की सीएम अखिलेश की तारीफ, कहा यूपी के जैसा काम किसी राज्य में नहीं। सड़क इतनी सुविधाजनक, पूरे उत्तर प्रदेशी जनता के। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में आग, 3 महीने में दूसरी बार लगी आग, हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को निकाला गया बाहर, श्रीनगर के रिहायशी इलाके बुचवारा में भी इमारत में लगी आग।